नापाक चुनौतियों का सामना कर रहे भारत ने अपनी सटीक कूटनीति से अपनी सीमाओं के अभेद्य सुरक्षा चक्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच गई है। नए साल 2022 में इसकी तैनाती देश के उत्तरी क्षेत्र में करने की संभावना है, जहां से ये चीन के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी किसी भी तरह का हवाई हमले को रोकने के लिए सक्षम होगा। तो वहीं दूसरी ओर S-400 की दूसरी रेजिमेंट के अगले साल जून 2022 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। तब भारत अपनी S-400 की दोनों रेजिमेंट को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है। S-400 के सौदे से जहां भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन बौखला गया है। इसके पीछे की वजह भी वाजिब है। दरअसल S-400 की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। कई मायनों में S-400 अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी बेहतर है। इसके जरिए मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, यहां तक कि ड्रोन हमलों से भी बचाव किया जा सकता है। इसकी हर रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं। इसके हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं, यानी कि एक रेजिमेंट एक बार में 32 मिसाइल फायर कर सकती है। इस सिस्टम का कमांड सेंटर 600 किलोमीटर दूरी से ही हमलावर मिसाइल या एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर लेता है और फिर 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में उसे तबाह कर देता है। ये सिस्टम एक बार में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और रेंज में आने पर उन्हें तबाह कर सकता है। जरूरत पड़ने पर अगर इसे ट्रक पर लादकर आगे ले जाना हो तो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है। अगर ये सिस्टम तैनात है तो सिग्नल मिलने के 3 मिनट के भीतर ये जवाबी कार्रवाई के लिए भी रेडी रहता है। इस सिस्टम के रडार को जैम नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि भारत ने 5 अक्टूबर 2018 को रूस के साथ $5.43 बिलियन यानी कि करीब 39,000 करोड़ रुपए में रूस के साथ S-400 की 5 रेजिमेंट्स का सौदा किया था। भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों से निपटने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत जरूरत है। चीन के पास न केवल अच्छे फाइटर जेट्स हैं, बल्कि बड़ी तादाद में लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं। भारत के साथ रूस के इस सौदे पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। तब वहां की सरकार ने काट्सा एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी रक्षा जरूरतों के फैसलों पर किसी भी तरह के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में अब S-400 का भारत पहुंचना चीन और पाक के लिए खतरे की घंटी है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।